नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल हैं आपके? हम तो बहुत बढ़िया हैं जी, वेरी गुड। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे एक अभिषेक हमारे एक बहुत ही मनमोहक और सुंदरमयी चैप्टर को, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसे हम छोटे छोटे दो क्लासेस के अंदर कवर करेंगे और आपका समय व्यर्थ ना करते हुए मैं मुद्दे की बात पर आ जाता हूं। क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्यों बनाया जाता है, कौन बनाता है, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, काम कैसे करती है, पूरा माजरा आखिरकार क्या है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैं लिख देता हूं आपके लिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 2020, माय डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ध्यान से सुने, ये क्लास करने से पहले आपके हाथ में मेरे द्वारा रचे हुए ये नोट्स आपके पास होने चाहिए। ये नोट्स मैंने आपके LMS पर अपडेट करवा दिए हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ये नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 2020, माय डियर, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इसमें मैं शुरुआत करूंगा पेज नंबर 2 से, जिसमें आपका हेडिंग बना हुआ है ऑब्जेक्टिव क्या है माय डियर हमारे इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। तो भगवान झूठ ना बुलाए, सबसे प्रमुख ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। भाई, नाम से ही पता लगता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विदेश व्यापार नीति, विदेशी व्यापार के लिए नीतियों का भंडार है। क्या क्या नीतियां बना रखी हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों चीजें आ जाती हैं, इंपोर्ट करना भी और एक्सपोर्ट करना भी। कोई भी देश अपने लिए क्या चाहेगा, एक्सपोर्ट को ऑब्वियस सी बात है बढ़ाना चाहेगा और इंपोर्ट को डेफिनेटली गिराना चाहेगा। उसी के लिए हम यहां पर अलग अलग प्रकार की रणनीतियां बना रहे हैं कि मुझे ये काम करना है और ये टारगेट मैं कैसे अचीव करूं। हर एक कंट्री की यही बात होती है कि एक्सपोर्ट को कैसे कैसे बढ़ाया जाए और इंपोर्ट को कैसे गिराया जाए। तो यही प्रमुख दो ऑब्जेक्टिव लेकर हमारे यहां पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का आगमन हुआ है, विदेश व्यापार नीति का आगमन हुआ है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, बिना देखे बताइए माय डियर, आप कैसे बढ़ा सकते हो एक्सपोर्ट को, उसके लिए आपको क्या क्या कर्म करने पड़ेंगे। सर, एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहला काम तो हमें यह करना पड़ेगा कि जो एक्सपोर्ट की राह में जो कांटे हैं, अगर मान लीजिए यहां आपका माय डियर ये हिंदुस्तान है और यहां से यहां अमेरिका को आपको माल पहुंचाना है, तो इस रास्ते में इस राह में जितने भी कांटे हैं उन कांटों को आपको निकालना पड़ेगा, उन्हें यहां से चुनना पड़ेगा, जिसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माय डियर। जो समस्याएं हैं, जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं यहां पर, वो आपको दूर करने पड़ेंगे। भारत सरकार यहां ई गवर्नेंस की तरफ मूव कर चुकी है माय डियर, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस होती हैं, ई पेमेंट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वो भी आपका ऑनलाइन है। ईच एंड एवरीथिंग माय डियर इलेक्ट्रॉनिकली यहां पर बात करी जाती है। जब क्लियरेंस हो कार्गो का तो फटाफट से क्विकली क्लियरेंस करा दी जाए, बार बार मोटी मोटी फाइलें
अलग अलग काउंटर पर ना लेकर घूमना पड़े, उसके लिए सिंगल विंडो फैसिलिटी का दिलवाया जाना, यानी एक्सपोर्ट को जितना सुगम बना सकते हो बनाया जाना चाहिए, और वही तमाम बातें आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी माय डियर लेकर आती है। अगर एक्सपोर्ट करना आसान और सुगम होगा तो निश्चित तौर पर किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जाएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए जो फाइल बनती है उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसमें कम से कम डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, जैसे कि एक्सपोर्ट करने पर लगाया जाता है शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट लगाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है आपका बिल ऑफ लेडिंग, और तीसरा होता है इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। तीन डॉक्यूमेंट तक सीमित करना माय डियर एक्सपोर्ट को। तो ये तमाम बातें आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आती हैं, जिससे कि निश्चित तौर पर आपके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, दूसरी बात साहब यहां पर यह निकल के आती कि एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी यहां पर मसाला मिक्स करना पड़ेगा, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। वो कैसे सर जी? वो ऐसे कि हमारी इकोनॉमिक्स कहती है कि नॉर्मली जहां पर डिमांड की इलास्टिसिटी होती है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइसिंग बढ़ता है तो नेचुरली उसकी डिमांड में गिरावट आ जाती है। माय डियर, प्राइस बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर डिमांड गिरेगी, तो प्राइस को बढ़ने से रोकने के लिए उसके संबंध में जो भी इंडियन टैक्सेस होते हैं उनको एग्जेम्पशन का जो सुझाव है, जो बात है, इसकी जो जड़ है ये विदेश व्यापार नीति से ही निकल के आती है, जिसमें हम अक्सर बोलते हैं एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज नॉट द टैक्सेस। ये बात के रचयिता हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ही है, क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो निश्चित तौर पर डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हम नेचुरली यहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे साहब। दूसरा टैक्सेशन का एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद में रास्ता भी साफ है, प्राइस भी कम कर दिया है, अब क्या करना है? रास्ता भी साफ है जाने के लिए, टैक्स कम करके प्राइसिंग भी कम कर दिया है, अब थोड़ा सा मन की इच्छा होनी चाहिए, थोड़ा सा लालच यहां पर देना चाहिए, जिससे कि उसके चलते हुए व्यक्ति अधिक से अधिक व्यक्ति इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो। भारत सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के तहत एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए मल्टीपल स्कीम यहां पर चला रखी हैं, जैसे कि एक आती है AAS, डबल AAS स्कीम, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के नाम से जानते हैं। इस स्कीम के तहत होता क्या है कि मान लीजिए कभी आपको इंपोर्ट भी करना पड़े एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, तो जब आप इंपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट पर्पस के लिए तो इंपोर्ट करते समय जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी होगी हम उसे यहां पर माफ करवा देंगे, हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपको एडवांस में ही एक ऑथोराइजेशन लेटर बनाकर दे देंगे अगर आप एक्सपोर्ट करने का मन बना रहे हो तो। सर जी मान लीजिए हमने ये शुरू में बोल दिया था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे पर बाद में एक्सपोर्ट नहीं किया, तो अगर आपने चीटिंग करी तो जितना बेनिफिट आपको यहां दिया गया था ये बेनिफिट आपसे ब्याज के साथ रिकवर कर लिया जाएगा, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इसी पैटर्न पर एक और स्कीम आती है DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन की यहां पर बात करी जाएगी। लगभग उसी पैटर्न पर एक स्कीम और इस प्रकार से बनाई जाती है। उसके बाद एक और आती है माय डियर जिसे बोलते हैं EPCG के नाम से जानते हैं। EPCG मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नॉर्मली इंडियन जो मैन्युफैक्चरर हैं शिकायत करते हैं साहब देखिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट होने के लिए हमारे पास मशीनरीज उम्दा क्वालिटी की होनी चाहिए, और उम्दा क्वालिटी की मशीन से काम करना है तो मशीन मिलेगी जर्मनी के अंदर साहब। तो जर्मनी से जब मशीन आएगी यहां उससे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ावा जाएगा यहां पर।
तो भारत सरकार ने यहां पर भी मदद कर दी, कहा कोई बात नहीं तू मशीन को इंपोर्ट कर, और मशीन इंपोर्ट करने पर जो भी तेरी ड्यूटी बन रही होगी इंपोर्ट ड्यूटी हम उसे चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन तू बढ़िया वाले प्रोडक्ट बना और एक्सपोर्ट कर। और एक ऐसे टारगेट पकड़ा देते हैं कि मान ले अगर यहां पर सरकार ने इसकी 3 करोड़ रुपए की ड्यूटी अगर माफ कर दी है तो उसको टारगेट दिया जाता है कि 3 करोड़ की ड्यूटी माफी पर 3 करोड़ का 6 गुना 18 करोड़ रुपए का अब तुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको जो बेनिफिट दे रही है वो इसके चलते दे रही है कि आप भी कल को गवर्नमेंट को यहां पर बेनिफिट करके दोगे। माय डियर अगले 6 बरस के अंदर, जी हां 1 साल में नहीं, अगले 6 बरस के अंदर आप जितनी ड्यूटी सेव करी गई है उसका 6 गुना अमाउंट यानी 18 करोड़ रुपए 6 बरस के अंदर आप इतने का एक्सपोर्ट करके दोगे। तो ये थी आपकी ईपीसीजी की स्कीम, और ऐसे करके और भी स्कीम यहां पर सरकार ने लॉन्च कर रखी है। इसमें एक नाम आ सकता है जैसे कि एक मी इसके नाम से आती है, ये क्या है, मर्चेंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। जो व्यक्ति गुड्स के एक्सपोर्टर होते हैं भारत सरकार उनके एक्सपोर्ट से प्रभावित होकर उन्हें माय डियर कुछ एक कूपन्स वगैरह अलॉट कर देती, जैसे मान लीजिए आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी टेस्ट के अंदर और वहां पर मैं आपको हल्दीराम के कुछ कूपन्स दे देता हूं 1000 रुपए की, ला जाओ ले जाओ इस कूपन को और जाके दोस्तों के साथ आप पार्टी कर लीजिए। इस प्रकार के कूपन्स मैं भी आपको दे सकता हूं, क्या उस कूपन से आप कैश ले सकते हैं, नहीं कैश तो नहीं मिलेगा, आप उसे खाना ले सकते हैं। इसी प्रकार से इस स्कीम के तहत भारत सरकार, मी इसके तहत भारत सरकार गुड्स एक्सपोर्ट करने पर आपको कुछ स्क्रिप्ट्स देती है, कुछ कूपन्स देती है, और उन कूपन का इस्तेमाल आप कर सकते हो भविष्य में जो भी आपको कोई ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़े, कुछ टैक्सेस पे करने पड़े, तो उन टैक्सेस को इस स्क्रिप्ट के तहत आप सेट ऑफ करवा सकते हो। और कभी कभी तो माय डियर भारत सरकार को कुछ एप्लीकेशन मनी वगैरह आपको पे करनी होती है, उस एप्लीकेशन मनी वगैरह को पे करने के लिए भी आप इन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये गुड्स के लिए आती है मी इसके नाम से, और सर्विस सेक्टर के लिए, सर्विसेज के लिए आती है सी इसके नाम से, कि अगर मैं एक सर्विस एक्सपोर्टर हूं तो भारत सरकार मुझे कुछ स्क्रिप्ट्स और कूपन देती है। ये क्या है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, माय डियर उसके संबंध में ये बात करके चलती है। तो जैसे ये गुड्स के लिए, ये सर्विस के लिए लगभग लगभग दोनों स्कीम एक जैसी हैं और इनमें कूपन दिलवाए जाते हैं। तो भारत सरकार ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कई सारे तरीके अपना रखे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ, रास्ते के कांटे साफ करने के साथ साथ, टैक्सेशन में राहत देने के साथ साथ मल्टीपल स्कीम और चलाई जिनसे माय डियर यहां इनका बिजनेस और ग्रो करे, या मान के चलिए कि एक्सपोर्ट इंडिया का ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो एडवांस ऑथोराइजेशन हो, चाहे DFIE हो, चाहे EPCG हो, चाहे मी इस हो, चाहे CIS हो, ऐसे कर करके इन्होंने मल्टीपल स्कीम की यहाँ पर बात कर रखी है। बाबूजी देखिए ये तमाम सारी बातें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई भी हैं, आप चाहें तो एक बार इनको देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा पहला ऑब्जेक्टिव है FTP का, अगर मैं बड़ी बात बोलूं तो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी को मैनेज करना, और इकोनॉमी को माय डियर मैनेज करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड या वेरियस ऑथोराइजेशन फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम का फॉर्म होता है ना, ये आपको ये जो मिलती है ये सारे काम कर सकते हैं। मैसेज एक्सचेंज की फैसिलिटीज, ऑल द डॉक्यूमेंट एट वन प्लेस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, की आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे के सारे एक जगह पे अपलोड हो जाएगी, जिससे कि आपको बार बार वो फोटोकॉपी करा करा के, जीरोक्स करा करा के अलग अलग जगहों पर देने की आवश्यकता नहीं है, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पर आके सारे डॉक्यूमेंट रख दिए जाएंगे और वहां से आपको एक पासवर्ड जनरेट हो जाता है जिसके दम पर आप जिस व्यक्ति को वो पासवर्ड प्रोवाइड कराओगे वो आपके इन डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। कम से कम डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे बिल ऑफ एक्सपोर्ट शिपिंग बिल या बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, हालांकि डाउटफुल सिचुएशन में अधिक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। सिंगल विंडो फैसिलिटी, क्विक क्लियरेंस की बात करेंगे,
राउंड क्लॉक वर्किंग है। ये सब किस लिए हो रहा है? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पहला कदम क्या था? रास्ते की सफाई करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करके चलना माय डियर। उसके बाद में यहां पर कह रहे हैं एनकरेजमेंट करना पड़ेगा, लालच देना पड़ेगा। लालच देने के लिए अलग अलग स्कीम, जैसे अभी मैंने नाम लिया था आपसे, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम, जिसमें इनपुट को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवा देते हैं इस कमिटमेंट के साथ कि आगे चल के आप इसमें एक्सपोर्ट करेंगे। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन, इसमें भी लगभग सेम स्कीम है। हालांकि तमाम स्कीम का डिटेल डिस्कशन आगे मैंने कर रखा है, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज एफटीपी। ऐसे अदरवाइज नए मार्केट की खोज करके चलना, फाइंडिंग न्यू प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम करके चलना, तो ये सारे काम माय डियर करे जा रहे हैं। जब एक्सपोर्ट हो जाता है तो उसके बाद भी सरकार आपको अलग अलग स्कीम के तहत काम करके चलती है। जैसे एक आपको स्टार रैंकिंग देके चलती है, CN2 देता ना, 1 से लेकर 50 तक की रैंक देता है उन मेहनती बच्चों को सम्मानित करने के लिए। ऐसे माय डियर हमारे यहाँ पर भी जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हब हैं उनको दिया जाता है यहाँ पर स्टार रैंकिंग, स्टार 1 से लेकर 5 सितारा 5 स्टार तक ये रैंकिंग आपकी चली जाती है। आप जितने बड़े एक्सपोर्टर हैं आपको उतनी ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। उसके बाद में स्क्रिप्ट्स दी जाती हैं, 5% की, 3% की, 10% की, आप जितना भी एक्सपोर्ट करोगे उसके हिसाब से आपकी स्क्रिप्ट बनाकर आपको दे दी जाती है। और फिर उन स्क्रिप्ट्स को, उन कूपन्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, खैर सर्विस टैक्स तो नहीं रह गया है पर फॉरन ट्रेड पॉलिसी में शब्द आज भी लिखा हुआ है। एक्साइज ड्यूटी का दायरा भी बहुत कम रह गया है GST आने की वजह से, वो टोबैको और पेट्रोलियम तक सीमित रह गई माय डियर, तो जहां के लिए रिलेवेंसी है। सर्विस टैक्स तो अगर खत्म ही हो गया, इसको तो नाम काट देना चाहिए सर्विस टैक्स का, तो यहां से पर काटा नहीं उन्होंने। एप्लीकेशन फी पेबल टू डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, इन सब कामों के लिए किया जा सकता है। रास्ता साफ किया, लालच किया, आसान बनाया। और उसके बाद माय डियर दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां पर निकल के आता है कि एक पहलू से काम नहीं चलेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ कहीं ना कहीं दूसरे पहलू पर भी काम करना पड़ेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, इंपोर्ट को भी इन्हें कहीं ना कहीं डिस्करेज तो करना ही पड़ेगा। क्या करें उसके लिए? उसके लिए बाहर से आने वाले माल को कहीं ना कहीं महंगा करना पड़ेगा, वही इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ प्ले करना पड़ेगा। कैसे महंगा करें, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। GST के अंदर आप पढ़ते हैं माय डियर कि जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स वेसल के माध्यम से, तो वहां पर आप देखते हैं जो वेसल का भाड़ा होता है वो इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन में भी साथ में आ जाता है। और भैया जी, बाबूजी, मेरे लाल, वो आपका भाड़ा GST के दायरे में भी आता है। जबकि अगर मैं सर्विस टैक्स की बात करूं तो वहां भी पिछले कुछ एक डेढ़ साल से ऐसा हो रहा था, लेकिन उससे और पहले की बात करूं, अगर मैं ओरिजिनल 2012 में चला जाऊं जहां सर्विस टैक्स का जमाना था, तो वहां पर ऐसी दोहरी मार नहीं पड़ती थी। उसमें जब हमारा इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट होता था वेसल के माध्यम से, तो जो वेसल का भाड़ा होता था वो भाड़ा नेगेटिव लिस्ट में आया करता था। और उसके पीछे रीजनिंग ये थी क्योंकि वो भाड़ा माय डियर इंपोर्ट ड्यूटी पर्पस के लिए गुड्स की वैल्यू का पार्ट बनता है, इसलिए वहां पर उन्होंने उसे एग्जम्पशन दे रखी थी। आज यहां एग्जम्पशन नहीं दे रखी है, रीजन बिल्कुल साफ है, इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहते हैं माय डियर। और इसके लिए कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना पड़ेगा साहब। जब तक मेक इन इंडिया को बूस्ट नहीं मिलेगा तब तक मालिक कैसे भला हमारा इंपोर्ट डिस्करेज हो पाएगा? घटेगा तब भी ना जब, अगर भाई हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हैं? आज हम महंगी महंगी गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करते हैं, काश हमारे यहाँ की गाड़ियों में भी वही क्वालिटी आने लग जाए जो जर्मनी से इंपोर्टेड BMW, मर्सिडीज और ऑडी, ये आपके जर्मनी से आती हैं। अगर वही क्वालिटी हिंदुस्तानी गाड़ियों के अंदर हो तो भला बाहर से कोई क्यों परचेज करेगा, बताइए? यहां तो हमें क्वालिटी मिलेगी मिलेगी और यहां से हमारा एक्सपोर्ट भी डबल ट्रिपल हो जाएगा माय डियर, दोनों तरफ हमें बेनिफिट मिलेगा। इंपोर्ट क्वालिटी सुधार लीजिए, इंपोर्ट नेचुरली आपका
घट जाएगा और एक्सपोर्ट आपका नेचुरली बढ़ जाएगा। कॉस्ट कटिंग टेक्निक्स बताती है यहाँ पर, और माय डियर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर हमें खेलना पड़ेगा। इसी के चलते हमारा यहाँ पर इंपोर्ट को डिस्करेज हम कर सकते हैं, अपने अंदर खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, तभी हमारी ये बात बन पाएगी। दो बड़े ऑब्जेक्टिव हैं विदेश व्यापार नीति के, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और इम्पोर्ट को नीचा दिखाना। माय डियर इसके साथ साथ विदेश व्यापार नीति नाम से ही पता लगता है, तो कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है आपके इस गुड्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आपके गुड्स का हो रहा है, इसको रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट कैसे करते हैं सर जी? भैया पूरे प्रॉपर बताते हैं कि देखो, आप अगर कौन सा ऐसा गुड्स है जिसे कि आप बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी कंट्रोल के आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्रीली इंपोर्टेबल गुड्स के नाम से उनको जानते हैं, जिन पर कोई किसी प्रकार की बंदिश माय डियर नहीं होती है। दूसरे होते हैं आपके प्रोहिबिटेड गुड्स, जिन्हें आप किसी भी कीमत पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, मजाल जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर जाए। उसके बाद में कुछ आते हैं आपके कंडीशनली रिस्ट्रिक्टेड आपके गुड्स होते हैं, जिनका आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर तो सकते हो, लेकिन साथ में आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी माय डियर वहां पर पड़ जाती हैं। ओल्ड अगर आपका कोई मशीनरी है उसे कैसे इंपोर्ट किया जाए, अगर इंपोर्ट किया है आपने जस्ट टू रीएक्सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पर नियम कानून कैसे होंगे, बिल ऑफ एंट्री का फॉर्मेट कैसा रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भरे जाएंगे, ये सारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुई बातें हैं, जमीनी बातें हैं, इन सब बातों को कौन बताता है, ये बताई जाती हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के द्वारा, जिससे कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड आसान और सुगम बनाया जा सके। फ्रीली इंपोर्टेबल, इस फ्री वर्ड का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंपोर्ट ड्यूटी फ्री, मतलब इसका मतलब है नो रिस्ट्रिक्शन, नो प्रोहिबिशन, इसका मतलब है ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन है और ना ही उसके ऊपर कोई प्रोहिबिशन माय डियर दे रखी हो, फ्रीली आपके इंपोर्टेबल हैं, न्यू प्रोडक्ट छोड़ देना, फ्रीली इंपोर्टेबल। दूसरा, यूज्ड या ओल्ड आर्टिकल्स, उनके लिए अलग से नियम कानून दिए जाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड आइटम कौन कौन से होंगे उनकी लिस्ट दी जाती है। अच्छा, इन तमाम बातों के बारे में मैंने आगे बता रखा है, लिखा हुआ सब कुछ, उसकी लिस्ट बताई जाती है। करीब 400-500 आर्टिकल्स आपके यहाँ निकल आते हैं। प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में बताया जाता है। इम्पोर्ट किया रीएक्सपोर्ट करने के लिए आपको ध्यान होगा कस्टम के अंदर सेक्शन 20 आता है, जिसमें टाटा नैनो का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। लीज पर इंपोर्ट करते हो तो नियम कानून क्या होंगे, इंपोर्ट किया है आफ्टर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेक्शन 20 के अंदर हमने आपको बताया था, एक मटीज कार का एग्जाम्पल दिया था, वो सारी बातें बताई गई थी। इंपोर्ट करोगे सैंपल तो क्या होगा, बैगेज अगर आप के रूप में इंपोर्ट करोगे तो वहां पर नियम कानून आपके किस प्रकार से रखे जाएंगे, ये सारे सजेशंस रिकमेंडेशंस देती है माय डियर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर बताई जाती है। आगे है आपका एक्सपोर्ट आइटम, जैसे यहां पर अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। फ्रीली, फ्रीली का मतलब यह है कि कौन कौन से वो गुड्स हैं जिन पर ना तो कोई किसी प्रकार की कंडीशन है और ना ही कोई किसी प्रकार की उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। वो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो बिना किसी कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन के माय डियर वो एक्सपोर्ट करी जा सकती हैं, न्यू वर्ड कार्ड देना। ओल्ड हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए नियम कानून क्या, रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड की गुड्स क्या, बैगेज के रूप में एक्सपोर्ट करना है तो उसमें आप कैसे करके चलोगे। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आपके जो महान कलाकार हैं 100% EOU, EHTP, STP, इन सब के बारे में भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर बताया जाता है। इनकी मर्यादाएं भी वहां पर बताई जाती हैं, रूल्स और रेगुलेशंस इसके लिए तैयार करे जाते हैं, क्योंकि ये अहम भूमिका अदा करते हैं हमारे एक्सपोर्ट के अंदर। हालांकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, मैंने पहले भी बताया था, उसकी अलग दुनिया होती है। उसका माय डियर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बना हुआ है, उसके अपने खुद के स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स बने हुए हैं, अलग बने हुए हैं, अलग दुनिया है, उससे यहाँ का कोई किसी प्रकार का ताल्लुकात नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो SEZ का डिस्कशन आपके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है विद द डिस्कशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो मैं उसका डिस्कशन आपको यहां भी करके चलूंगा, ये बात मैंने आपके लिए यहां पर लिखी हुई है। तो दीज आर द फोर ऑब्जेक्टिव्स
क्या क्या? नंबर एक, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, उसमें आपके ये अलग अलग स्कीम्स चलाई कि कैसे हम एक्स को प्रमोट करके चलें, इम्पोर्ट को डिस्करेज करना, रेगुलेट करना और अदर्स माइडियर, ये चार बातों के लिए आपके एफटीपी का निर्माण किया गया है। अब सुनिए सबसे अहम और सुंदर बात, पेज नंबर एक पर आ जाइएगा। इतनी बातें पढ़ने के बाद आपको लगा होगा सर ऐसी ऐसी बातें तो हम लोग कस्टम लॉ के अंदर भी पढ़ रहे थे कि क्या प्रोहिबिटेड है, क्या रिस्ट्रिक्टेड है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी बातें भी वहां पर थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। जो बातें मैंने बोली है आपके लिए नई बातें नहीं थी जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो जब ये बातें हमारे उस लॉ के अंदर हमने हल्की फुल्की देख चुके हैं तो फिर यहां ये मसला क्या है, एग्जैक्टली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्टैंड कहां करती है। तो भाई मेरे बात ध्यान से सुनो जरा, जैसे आज एक बना हुआ है आपका जीएसटी लॉ, लेकिन जीएसटी लॉ के अंदर जो तमाम बातें लिखी हुई हैं या उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं या जो भी बदलाव किए जा रहे हैं, ये किसकी सिफारिशों पर किया जा रहा है, किसकी रिकमेंडेशन पर किया जा रहा है, यह मंत्र कौन फूंक रहा है, किसका दिमाग इसके पीछे काम कर रहा है, आप सभी का एक ही जवाब मैं सुन पा रहा हूं, जीएसटी काउंसिल। ग्रेट। तो जीएसटी काउंसिल यह इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, इंडस्ट्री मिलती है जीएसटी काउंसिल से, जीएसटी काउंसिल उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, एक सजेशन देती है, सजेशन के चलते हुए आपके इस लॉ के अंदर बदलाव किया जाता है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर जो रोल आपका यहां पर माय डियर जीएसटी काउंसिल का है, लगभग कुछ ऐसा ही रोल यहां पर है हमारे डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड का। कैसे बताते हैं बाबूजी, ये देखो, एक होती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम होता है कारोबार को मैनेज करना, हर हाल में किसी भी कीमत पर आपका कारोबार बढ़ना चाहिए, ग्रो अप होना चाहिए। जैसे मैं अपने कारोबार के बारे में सोचता हूँ, ये हमारा देश अपने कारोबार के बारे में सोचता है कि हमारे देश से टोटल एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है, कारोबार बढ़ना चाहिए। इधर है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर पैसा है, पैसों की लगा दूँ ढेरी, उनको लगता है कि जो हमारा पैसा है ये रेवेन्यू है, ये भी हर हाल में बढ़ना चाहिए, कारोबार को ये संभाल रहे हैं, कारोबार की समझ इनको है और पैसे की समझ इनको है। दीज आर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, या पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और ये है माय डियर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं आपकी सारी चीजें जो बन रही हैं, सेंट्रल एक्साइज एक्ट हो गया, सेट्टा हो गया, सेंट्रल एक्साइज एंड टैरिफ एक्ट। हालांकि आज की डेट में जीएसटी लॉन्च होने के बाद में इनका स्कोप बहुत ही लिमिटेड हो गया है, टोबैको तक लिमिटेड हो गया है इनका स्कोप, माय डियर पेट्रोलियम तक लिमिटेड हो गया है, कस्टम एक्ट आज भी जिंदा है, कस्टम टैरिफ एक्ट, सीएसटी का स्कोप भी चुनिंदा रह गया है माय डियर, काफी हद तक नीचे आ गया है इसका स्कोप। जीएसटी एक्ट्स आपके बने हुए हैं, डीवेट या एटसेट्रा, यूपी वेट वगैरह वगैरह, वेट का दायरा भी बहुत हद तक कम कर दिया गया है, एकदम सिकुड़ गया है, सिमट गया है आरबीआई। तो ये इतने सारे एक्ट का यहां पर झोल पड़ा हुआ है, इनके संबंध में इनकी अपनी अपनी वर्किंग बॉडीज हैं माय डियर। वर्किंग बॉडीज की मैं बात करूं, आपका जैसे बोर्ड हो गया, वेरियस डिपार्टमेंट्स हो गए, एक्साइज का, सीएसटी का, वेट का, जीएसटी का, फेमा का, एटसेट्रा, अलग अलग सबके इनके डिपार्टमेंट माय डियर हो जाते हैं। तो ये सारा काम इधर साइड में वित्त मंत्रालय के अंडर में चला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कहीं ना कहीं सारी चीजें ये जुड़ी हुई होती हैं। अब ये लॉ तो बन गए हैं, लेकिन इन लॉ को बनाने के पीछे काम कौन कर रहा है दरअसल माय डियर? मैं मानता हूं जीएसटी के लिए तो स्पेसिफिकली काम करती है आपके ये जीएसटी काउंसिल करती है, लेकिन मैं कस्टम लॉ के एंगल से अगर बात करके देखूं, कस्टम एक्ट के अंदर जो बदलाव आपके आ रहे हैं, इनके पीछे कौन काम कर रहा होता है? तो बाबू, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करके चलें, देखिए ये फॉरेन ट्रेड को डील करती है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, ये एक एक्ट का नाम है। अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दूं और आप सीधा पढ़ें इसको, फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 आता है एक। इस एक्ट के तहत
एक वर्किंग बॉडी है जिसे बोलते हैं डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड एक्ट के अंदर एक वर्किंग बॉडी है जिसे डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी माय डियर अपने आप में पावरफुल बॉडी है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। जो एफटीपी है, ध्यान देना, एफटीपी का रोल बता रहा हूं एग्जैक्टली स्टैंड कहां कर रही है। जो एफटीपी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक मान लीजिए एक बुकलेट की भांति है, एक ऐसी बुकलेट है, ये रही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक बुकलेट बनाकर दे दी। उस बुकलेट के अंदर रणनीतियां लिखी हुई हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में हम कैसे विजयी हो सकते हैं। उन नीतियों को बनाने वाला डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है। सुनो जरा बात को, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड अपॉइंटमेंट होती है इस फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 के द्वारा, इसकी अपॉइंटमेंट कराई जाती है, ठीक है जी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो बनाई है, किसने बनाई है? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने, यही इसका रचयिता है, यही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, देखता है। जो कुछ भी है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, इसका सब कुछ डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड होता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एवरी 5 ईयर के लिए माय डियर आती है, और अभी एज ऑफ नाउ जो चल रही है वो है 2015 और 2020। वाली इस 5 साल वाली आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है। हालांकि इसमें हर साल 1 अप्रैल को भारी भरकम चेंजेस किए जाते हैं, रिन्यू होती है हर साल और रीड्राफ्ट होती है, एवरी 5 ईयर के अंदर। अप्रैल मंथ के अंदर इसमें मेजर चेंजेस माय डियर यहां पर लाए जाते हैं, ठीक है जी। यस सर, लेकिन सी इंस्टीट्यूट ने उन चेंजेस को नॉर्मली अपने डिस्कशन के अंदर कवर नहीं करके चलती है। जो एक बार उन्होंने पकड़ा दिया मैटर, वही मैटर कंटिन्यू कर रहा है कई वर्षों से, माइडियर वही ज्यों का त्यों चल रहा है। बीच बीच में होने वाली अपडेशंस को एफटीपी के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें अप्रैल में ही माइडियर चेंजेस आते हैं। आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो हर रोज चेंजेस आते हैं, और चेंजेस इतने ज्यादा होते, इतने ज्यादा होते हैं कि रियल लाइफ में या किताब के एंगल से या स्टूडेंट के एंगल से उन बातों को पकड़ पाना नामुमकिन सा होता है। इसलिए सी इंस्टीट्यूट ने जो एक बार इतिहास छाप कर दे दिया कि दिस इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आपको वही पढ़ना होता है। ये मेरी क्लास पहले की भी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, लेकिन मैं एक नई क्लास दे रहा हूं आपको, ये आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, क्योंकि एक दो जगह पर चेंजेस आए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, क्लेरिफिकेशन टाइप बतानी पड़ेगी कि इस जीएसटी के आ जाने से ये बदलाव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आया है या लाया गया है। अब ध्यान देना जरा, यह आपका डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, दिस इज डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। अब देखना काम कैसे होता है, जैसे जीएसटी काउंसिल आगे सजेशन देती है, बात पार्लियामेंट में जाती है, इसी प्रकार से माय डियर ये डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड यहां से सजेस्ट करता है। क्या सजेस्ट करता है और क्यों सजेस्ट करता है? रेट को लेकर कि देखो, अगर हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जाता है सजेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नोटिफिकेशन डालकर इन एक्ट्स को कोरस्पॉन्डिंगली अमेंड किया जाता है। आरबीआई के अंदर कोई अड़चने आ रही हैं, सजेशन यहां से निकलेगा, चेंज वहां पर होगा। जीएसटी के अंदर भी कोई बदलाव करना है तो उसके लिए भी यहां से सजेशन दिया जा सकता है माय डियर। तो जितने भी चाहे वो एग्जम्पशन, किसको एग्जम्प्ट करना है, किसको एग्जम्प्ट नहीं करना है, इंसेंटिव स्कीम क्या रख के चलनी है, जैसे हम अपने बिजनेस की बात करके चलते हैं, एल्डाइन की बात करके चलते हैं, एक मार्केटिंग हेड हो गया पर्सन, वो सजेशन देता है हमें किसका कॉम्बो बनाना चाहिए, कितना कॉम्बो बनाना चाहिए, किस सब्जेक्ट की फीस कम रखें, किसकी ज्यादा रख के चलें, हर बात को ध्यान में रखते हुए माय डियर वो सजेशंस वहां से दिए जाते हैं, और उसके बाद टॉप मैनेजमेंट उसको अप्रूव करके एग्जीक्यूट कर देता है, उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से यहां से सजेशंस जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, और उधर जाकर वो नोटिफिकेशन के जरिए आपकी अप्रूव हो जाती है, और अकॉर्डिंगली वो चीज यहां पे निकल के आ जाती है। बैगेज के नियम इतने आसान, सरल और सिंपल बनाए हुए हैं,
उसके पीछे दिमाग इनका काम नहीं कर रहा, उसके पीछे दिमाग कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का माइंड ने काम किया था और तब जाके चीज ऐसे रूट होकर यहां तक पहुंची थी। सेक्शन 20 पढ़ा था आपने माय डियर, उसमें देखा था आप लोगों ने कि साहब जब हम इंपोर्ट, टाटा नैनो का एग्जांपल लिया था कि हम जब इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर हमें इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना होता, बल्कि वहां पर हमें एक बॉन्ड भरना होता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये भी होती है कि हमें 6 महीने के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट, वो कार, वो मशीन हमें एक्सपोर्ट भी करनी पड़ती है। तो वो जो सारी लिबरलाइज्ड बातें थी वो कहां से निकल के आई थी, उनके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा था, माय डियर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रचियता कौन है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड माय डियर। अगर हम इसकी बात में बात करूं तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के निर्माता निर्देशक डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। इट इज एन अटैच्ड ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसका एक अंग है, उसी से अटैच्ड ये ऑफिस है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड का। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मौलाना आजाद रोड पर, उद्योग भवन नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड इस समय हैं, पहले श्री अनूप कुमार जी थे, अभी श्री आलोक वर्धन चक्रवर्ती जी हैं यहाँ पर। एडिशनल डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड भी होते हैं, ज्वाइंट DGFT भी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड भी आपको देखने के मिलेंगे। एक होता है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर, और 36 रीजनल ऑफिसेज डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के मिले हुए हैं, जिनसे कि इंडस्ट्री जाकर माय डियर काम कर सकती है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक अंग है, एक हिस्सा है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके तहत ये एक्ट आ गया। एक्ट के तहत डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की अपॉइंटमेंट, और डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने FTP बनाई, FTP ने सजेशन दिए, सजेशन यहां पहुंचे और जनता के सामने आकर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मुझे बताइए माय डियर, और नहीं तो मैसेज कर देना मोबाइल पे, सेस तो नहीं चल रहा है कि बात पकड़ में आई या नहीं आई। उम्मीद है कि इतना क्लियर हो गया होगा कौन कब कहां कैसे काम कर रहा है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई किसने है, किस लिए बनाई है, 4 ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए बनाई है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, इंपोर्ट को घटाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए यह सारा काम किया गया है। तो आज अगर मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं और मुझे इसमें कुछ फेवरेबल चीज़ें चाहिए, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मुझे कुछ फेवरेबल चीज़ चाहिए, तो मैं डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के पास में जाऊंगा, अपना सजेशन वहां दूंगा, उनके रीजनल ऑफिस में चला जाऊंगा, रीजनल ऑफिस से बातें हेडक्वार्टर में आएंगी, वहां पर फाइनल अप्रूवल होगा, फिर वहां से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू वो चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक पहुंचेंगी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस पर फिर नोटिफिकेशन जारी करके उसे लॉ का पार्ट बना सकती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे माय डियर। इस प्रकार से आपके पहले 3 पेज यहां पर आकर संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, आइए ना माय डियर, ये जो आपकी 2015-2020 की यहां पर रखी गई है एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये मोदी जी के टाइम की है माय डियर। इसमें साहब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ किस पर ज़्यादा काम किया गया। जब ये नई बनी थी आपकी, अच्छा इससे पहले थी आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009 से लेकर 2014 तक की, तो इसके बाद जो दूसरी आनी चाहिए थी दैट शुड बी सर 2014-2019, ये आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये आई 2015-2020, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हुआ था माय डियर, सरकार बदली थी, तो उस बदलाव में थोड़ा ट्रांजिशनल फेज आ गया था, जिसके चलते हुए पुरानी वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को यहाँ तक आगे तक और कंटिन्यू करना पड़ा, एक्सटेंड करना पड़ा, और फिर जब हालात सही हो गए तो 2015 में BJP ने ये उनके राज में ये दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, किन चीज़ों पर काम किया, डिजिटल इंडिया पर काम किया, रोजगारी जनरेट करने के लिए काम किए हैं, और कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स और लिए हैं। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कांग्रेस के टाइम की थी और ये वाली फॉरेन ट्रेड सी जो BJP के टाइम की है, इन दोनों में खास डिफरेंस कहां पर था, नई पॉलिसी ने किन चीजों को ज्यादा महत्व तो दिया। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इन्होंने मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में अकॉर्डिंगली चेंज किए गए,
कि भाई या तो इंडिया में आकर आप या मेक इन इंडिया करो, या यहाँ पर असेंबली वगैरह करो, या वैल्यू एडेड करो, उसके बाद एक्सपोर्ट करो। इससे क्या होगा कि यहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री भी लगेंगी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, तो फॉरेन करेंसी आएगी, और फैक्ट्री लगेंगी तो कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसका समाधान यहाँ पर दिया जाएगा। फैक्ट्री लगेंगी तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा, माय डियर, सड़कें, बिजली, पानी एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सुधार में आ जाती हैं। डिजिटल इंडिया को इन्होंने बढ़ावा दिया, ई कॉमर्स मैंडेटरी किया, उसके बाद में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रखे गए, ये चुने चुने डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल, इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, तीन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से काम चलाया, बाकी तब मांगेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, 24 आवर काम करवाया, सिंगल विंडो की फैसिलिटी दी, मैसेज एक्सचेंज की उन्होंने बात रखी कि भाई अलग अलग काउंटर पे पर्चा लेके ना घूमना पड़े, अगर यहाँ से मेरा काम हो गया तो यहाँ से मैसेज अगले प्रोसेस को ऑटोमेटिकली पहुँच जाए, यहाँ से मैसेज आगे ऑटोमेटिकली पहुँच जाए, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है वो सरल हो सकें। ऑनलाइन एप्लीकेशन लागू की गई कि ठीक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आप ऑनलाइन ऑथराइजेशन लीजिए, अलग अलग ऑथराइजेशन स्क्रिप्ट्स की बात यहाँ पर रखी गई। स्पेशल इनिशिएटिव के अंदर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्टार होल्डर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। स्पेशल एरियाज जो इन्होंने रखे, आपने बजट में भी देखा होगा इस वाले में, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सरकार बहुत बढ़ावा देती है, सरकार जानते कि 70% जनता खेती पर बेस्ड है, वोट बैंक यहीं पर है माय डियर। एग्रीकल्चर में किसान की हालत, वोट बैंक को छोड़िए, राजनीति की बात मैं नहीं करता आपसे, लेकिन सरकार को किसान के बारे में सोचना चाहिए, और सरकार सोच रही है, सरकार सोच रही है। आज सरकार के पास में ऐसी स्कीम भी है, लेकिन अफसोस कि जनता को वो बातें पता तक नहीं है। जैसे गांव में किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें एग्रो मशीनरीज की आवश्यकता होती है, ट्रैक्टर हो गया और अपना ये कल्टीवेटर्स हो गए और एक रूटावेटर हो गया, लाइक ऐसी जो मशीन एग्रो मशीनरीज होती है खेती बाड़ी करने के लिए। तो वहां पर माय डियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, और ब्लॉक के अंदर बनी होती हैं ग्राम पंचायतें बनी हुई होती हैं। तो भारत सरकार ने क्या कर रखा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए, मोटी लैंग्वेज समझिए, प्रत्येक गांव के लिए एक व्यक्ति को, एक गांव के लिए एक व्यक्ति को यह सुविधा है कि वो व्यक्ति 1,00,000 रुपए देकर भारत सरकार उसे करीब करीब 10,00,000 रुपए का सामान दे देगी। मतलब 1,00,000 रुपए उसे देने होंगे और उसके बदले उसे 10,00,000 रुपए की एग्रो मशीनरी खरीदने को मिल जाएगी। 5-7 लाख रुपए का ट्रैक्टर हो गया, बाकी और इक्विपमेंट हो गए, यानी 1,00,000 देकर 10,00,000 का बेनिफिट नेट देखो तो एक व्यक्ति को 9,00,000 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस नहीं है माय डियर। लेकिन ध्यान दीजिए, एक ग्राम पंचायत के लिए ये एक ही होता है, ये नहीं कि हर किसान के लिए ऐसा कर दिया जाए, उसमें थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ती है, कागज वगैरह तैयार करवाने पड़ते हैं, बैंक में खाते वाते खुलवा के सारा काम कर लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कुछ नहीं कर रखा, सरकार जनता के लिए बहुत कुछ करती है, पर अफसोस वो ग्राउंड लेवल तक, जमीनी लेवल तक बहुत केस में आ नहीं पाता है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स में भी एक्सपोर्ट का एक जज्बा क्रिएट करने का प्रयास किया गया कि आप भी ऐसा कर सकते हो, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जेम ज्वेलरी, लेदर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, यानी जिन चीज़ों में मजबूत हैं हम, जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, हम उस पर खेलना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों में हमारी स्ट्रेंथ है माय डियर, और इन्हीं के दम पर हम अपने इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर इन चीज़ों पर स्पेशल ध्यान दिया गया है। जो आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया हैं उनको भी एक अहम जगह दी गई है हमारे इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आकर, कि वो अगर 2 कदम चलेंगे तो उनके 2 कदम 4 कदम माने जाएंगे। समझ मारी बात, अगर वो 2 कदम चलेंगे तो उनके 2 कदम को 4 कदम माना जाएगा, डबल मान लिया जाएगा, ताकि उनको हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यहां पर दे सकें माय डियर। तो इस प्रकार से कुछ बातें हैं जो 2015-2020 के अंदर आई, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना, इंफ्रा को मजबूत करना, तो प्रोसीजरल पार्ट को इश्यू करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्हीं कामों पर, इन्हीं चीज़ों पर भारत सरकार ने काफ़ी काम किया है। सेक्टर वाइज एग्रीकल्चर, हैंडलूम एटसेट्रा, इनके ऊपर उन्होंने काम किया है। ये 2015-2020 के अंदर कुछ खास बातें हैं।
अब जो बात मैं आपको बताई है यहां तक की ये चार पेजेस के अंदर आपकी संपूर्ण फॉरेन ट्रेड पॉलिसी खत्म हो चुकी है माय डियर। अब आगे जो मैं बात करूंगा वो उन्हीं बातों को थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगा जो बातें आपसे हम कर चुके हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, कैसे है, और चार ऑब्जेक्टिव, एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट घटाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेट करना एंड अदरवाइज माय डियर, इन्हीं की हम आगे तक चर्चा करके चलेंगे। एंड दिस इज ओनली योर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मुझे उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए मालिक, यहां पर जैसे कि अब बात कर रहे हैं, अगला पॉइंट आ गया, पेज नंबर 5 पर आ गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए सभी जानते हैं आप जीएसटी में आप काम करने के लिए आ रहे हैं, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है। पहले सर्विस टैक्स में काम करते थे तो वहां पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं बाबूजी, अब अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए तो नेचुरली आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC लेना पड़ेगा। ये जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है, जो सर्वे सर्वा हैं, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, वो देते हैं इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को। वेबसाइट है www.dgft.gov.in पर। लगभग 500 रुपए की इसकी फीस है। फॉर्म है ANF 2A, आयात निर्यात फॉर्म 2A। पहले ये ऑफलाइन भी मिलता था, मतलब आप एप्लीकेशन फिजिकली लेकर जाया करते थे, रास्ते में वो दलाल मिल जाया करते थे जो कमीशन एजेंट होते, घूमते रहते हैं कि ICICIC सब्जी मंडी बना रखा था वहां पे, 500 रुपए की फीस जाती और लिया करते थे, 3-3, 4-4 हजार रुपए लग जाया करते थे लोगों के उसको लेने में। माय डियर, सरकार ने कहा कि यार बेकार में करप्शन खत्म करो, हटाओ उनको बीच में से, ऑनलाइन मैंडेटरी कर दिया कि आपको ये IEC ऑनलाइन मैंडेटरी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा माय डियर आपका, दलाल खत्म ऑटोमेटिकली, करप्शन खत्म। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में सुधार किया गया है। देखते हैं जरा क्या बोलते हैं, कहां पर लेना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, कहां पर नहीं लेना है। एक ऐसा एरिया बताएंगे आप जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की आवश्यकता नहीं होती, इंटरनेशनल ट्रेड तो हो रहा है लेकिन आवश्यकता नहीं होती। जी हां, बैगेज के अंदर जब आप पर्सनल चीजों के लिए आप इंपोर्ट करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वहां पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की आवश्यकता नहीं होती। आप ये बात जानते हैं, पढ़कर देखिए जरा। गिवन बाई डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन with digital signature certificate DSC and required to upload digital photograph of the applicant, pan card, cancelled check, इनकी आवश्यकता पड़ती है। मैंडेटरी होता है ये फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। कुछ केस में रिलैक्स कर दिया जाता है, जैसे कि बैगेज का मामला, अगर मैं भारत के बाहर से घूम कर आ रहा हूँ और अपने बैग में कुछ सामान सुम रख के ला रहा हूँ तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर्म नंबर आयात निर्यात फॉर्म 2A ANF, फीस 500 रुपये, 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड माय डियर। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर करीब 40 से ज़्यादा फॉर्म हैं जो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और वेबसाइट है माय डियर DGFT.gov.in। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। रहा बात समझ में आ गई यहाँ तक, रहा तो बोल दो। हाँ, फोन नंबर नहीं है, देते ना हम आपको, ये लीजिए 98, मुझे पता लग जाएगा ना कि हाँ तुम देख रहे हो। 981, मैं LMS पे डालने वाला हूँ इसको, 9810012161, ऐसे बोल देना हाँ हाँ हाँ, बस मैं समझ जाऊँगा तुम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देख रहे हो। 3 बार हाँ लिखना है, ठीक। उसके बाद क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अकेली है या कई भाइयों के बीच में अकेली बहन है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अकेली है या कई भाइयों के बीच में अकेली बहन है? सर, कई भाइयों के बीच में अकेली बहन है। इसके साथ साथ आपको बाकी को भी देखना पड़ेगा। इट इज नॉट स्टैंड अलोन, एक छोटी सी बुकलेट है जो आप जो अदर लॉ के साथ में इसे माइंडेड आपको रखना होगा। वैसे बुकलेट का बुकलेटा है, समझने के लिए बोल रहा हूं बुकलेट। अगर रियल में आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देख ली ना माय डियर, डर जाओगे, इतनी मोटी किताब है। पर मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं ताकि इमेज बने। ऐसे छोटी सी बुकलेट सपोर्ट में दे रखी है, जैसे उसमें आता उसमें आपका
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ नहीं आती, वो ब्रंच जो आती है एक छोटी सी पतली सी पत्रिका बुकलेट टाइप, वैसे है आपकी ये, जो बड़े बड़े एक्ट के साथ सपोर्ट करके काम करके चलती है। जैसे दूध में हॉर्लिक्स काम करता है, ऐसे यहाँ FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी काम करके चलती है। एक दूसरे के दूध और हॉर्लिक्स कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, और प्यार से बोलेंगे राधे राधे आ जाओ। नीड टू फॉलो अदर लॉ, देखिए फॉरेन ट्रेड एक्ट हो गया, हाँ जी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई, हाँ जी, उसके अंदर प्रोसीजर्स बताए जाते हैं, हाँ जी, कस्टम एक्ट भी है, हाँ जी, एक्साइज भी है, GST भी है, फेमा, ये सब ना इकट्ठे ही किए जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, आपको माय डियर कस्टम एक्ट भी फॉलो करना है, RBI के गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, आपको फेमा की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, एक्साइज, GST भी, ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड से, इनको भी फॉलो करना है, फॉरेन ट्रेड एक्ट को फॉलो करना है, उसके अंदर हमारे FTP को फॉलो करना है। तो ये कोई स्टैंड अलोन नहीं, ऑल आर टुगेदर माय डियर। However, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड कुछ एक रिलैक्सेशंस भी वहां पर दे सकता है किसी पॉलिसी से, प्रोसीजर से, ठीक। जैसे सेक्शन नंबर 20 की बात करते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कस्टम का, कस्टम एक्ट का सेक्शन 20 पढ़ाते समय ये बात मैंने माय डियर आपसे कर रखी है, क्या कि यहां से गई टाटा नैनो और पहुंच जाती है श्रीलंका में, जब वहां से लौट कर ये आती है ऐसे कि आन मिलोसा जिना मल्ली रिपेयरिंग वगैरह के लौट के आई थी और ऑब्जेक्टिव था कि वापस जाएगी, तो एक घटना नंबर दो और घटना नंबर तीन करके, एक दो और तीन करके है, नो नीट, नो इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन इसमें एक बॉन्ड लिया जाता था कि आप 6 महीने के अंदर अंदर आप उसे एक्सपोर्ट कर दोगे, और आपको 6 महीने के अंदर अंदर उसे एक्सपोर्ट भी करना होता था। तो कुछ एक रिलैक्सेशंस यहाँ पर दिए जा सकते हैं, बॉन्ड की रिक्वायरमेंट को हटाया जा सकता है, लाइक जैसे टाटा नैनो है, एक बड़ा ब्रांड है, मजबूत आदमी है, चलो ठीक है यार बॉन्ड मत दीजिए, भरोसा करते हैं आपके ऊपर हम, तो ऐसे रिलैक्सेशंस फॉरेन ट्रेड एक्ट के द्वारा दिए जा सकते हैं, ठीक। सॉफ्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं नेपाल भूटान के लिए, हम जैसे जानते हैं कभी कभी मानते हैं कि नेपाल भूटान हमारे इंडिया का पार्ट ही है, उस हिसाब से भी काम कर लेते हैं, भूटान को तो लगभग ऑलवेज मान के चलते हैं कि जैसे भूटान को जाने का मतलब ये है कि जैसे गुड्स बाहर गया ही नहीं, इंडिया के अंदर ही है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये आपके बिल ऑफ लेडिंग, ये और इनवॉइस कॉम्पैक्टिंग लिस्ट, इन्हीं से काम चलाना, ये सब आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर माय डियर आ जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे हम पीछे बात कर रहे थे मालिक की, रेगुलेशंस की बात कर रहे थे, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेगुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेगुलेशन, जिसमें कई सारी बात आपकी आ रही थी, कोई मुझे बताएगा वो कौन सा ऑब्जेक्टिव था हमारा, ऑब्जेक्टिव नंबर व्हाट सर, वो हमारा ऑब्जेक्टिव था कौन सा दरअसल, एक मिनट, ये रहा ऑब्जेक्टिव नंबर 3 था हमारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, इसको रेगुलेट करना, तो उसी की थोड़ी डिटेल मैंने यहाँ आपको एक बार निकाल कर दी है। ऑब्जेक्ट नंबर 3 था माय डियर ये, इसमें बोलता है फ्री गुड्स, फ्री गुड्स का मतलब दोज गुड्स फॉर विच नो नीड ऑफ एनी ऑथराइजेशन, अच्छा अलग से इसके लिए किसी कोई ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, एनी कंडीशन, ना कोई कंडीशन है, फ्रीली आप मतलब मौज, कोई प्रतिबंध नहीं है, आराम से, फ्री का मतलब ये नहीं कि ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी नेचुरली हो सकती है उसके ऊपर, लेकिन रिस्ट्रिक्शन, बंदिश कोई नहीं है, दैट इज फ्रीली इंपोर्टेबल आइटम, ऑल गुड्स एक्सेप्ट, कुछ एक स्पेसिफाइड कर रखे हैं उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे आपके फ्रीली इंपोर्ट किए जा सकते हैं। एक कैटेगरी आई थी प्रोहिबिटेड गुड्स, क्या है उनका मतलब होता है सीधा सीधा बैंड गुड्स। बाबू एक बात बताऊं, ये जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं ना, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, आसान और ऐसे बनाए हैं कि कोई खुद भी पढ़ सकता है, मतलब इनमें बड़ी आसानी से चीजों को समझाने का मैंने प्रयास किया है कि बड़े खूबसूरती के साथ में सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको चीज समझ में आए एग्जैक्टली हम कहना क्या चाहते हैं। बैंड गुड्स की बात कर रहे हैं, बैंड गुड्स कौन से होते हैं, उन पे ये किसको बैन करना है, किसको यहां रखना, ये काम है किसका, यहां मंत्र कौन फूंक रहा है, यहां पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी माय डियर यहां पर अपना मंत्र चला रही है, ठीक है जी। मीट एंड एडिबल मीट ऑफ पिग्स, ओए होए 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 होए, ये बैन कर रखे हैं, कभी कभी लिमिटेड पीरियड के लिए बैन कर देते हैं, कभी कभी लॉन्ग पीरियड के लिए बैन कर दिया जाता है। फेदर ऑफ वाइल्ड एनिमल बर्ड्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स ऑफ वाइल्ड बर्ड्स, फिश नेल्स, पिग फैट, मोबाइल फोन विदाउट IMEI,
कंट्री स्पेसिफिक हो सकती हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट चाइना से नहीं आएंगे। इस दौरान प्रोहिबिशन रही थी, कुछ समस्या आ गई थी उसके अंदर, कभी बर्ड फ्लू हो जाता, कभी स्वाइन फ्लू हो जाता है, कभी हेल्थ के संबंध में वो बैन कर देते कि भाई ये इंडिया के अंदर नहीं आएगा, अंडे नहीं आएंगे, चिकन नहीं आएगा, ऐसे ऐसे करके कर देते हैं बाबूजी, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। रिस्ट्रिक्टेड आइटम हो सकते हैं, मतलब उनकी कंडीशनल एक्सेस हो तो सकती है, लेकिन कंडीशनली उनको एक्सेस कर सकते हैं कि आप कंडीशन पूरी करोगे तो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले कौन से थे, ये पूर्ण रूप से बैन थे, अब ला ही नहीं सकते आप, ठीक है जी। जैसे कि सच गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशन, जैसे घोड़े, गधे, बैल, गाय और बकरी, डॉगी और एनिमल, और ये अंडे, मार्बल स्लैब, फाइवर्क्स, ब्लास्टिंग मटेरियल, क्लिनिकल वेस्ट वगैरह वगैरह, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या सारे याद करनी, ना 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 ना, इलस्ट्रेशन दिए आपको समझाने के लिए, याद याद करने की कोई आवश्यकता नहीं कि इनको याद करना, रट्टा मारना है कौन सा कहां पर आता है। संख्या में देखोगे तो करीब करीब 400-500 की पूरी लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट कहां मिलेगी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट पर, वेबसाइट www.dgft.gov.in पर जाकर वो लिस्ट आप चाहो तो अपने जनरल नॉलेज के लिए चेक कर सकते हो। और साथ में कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, क्वांटिटी रिलेटेड कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। जैसे आप देखते हो बैगेज के रूप में, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि भाई साहब शराब जो है बैगेज के रूप में ला सकते हो अप टू 2 लीटर, बस उतनी ला सकते हो। ये कहाँ से आते हैं प्रतिबंध, कौन इनके पीछे काम कर रहा है। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, यहाँ कौन से लेडी का हाथ है, यहाँ कौन पीछे काम कर रहा है, यहाँ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी काम कर रही है। माय डियर, वहाँ से मंत्र आ रहा है और फूंका यहाँ जा रहा है। वैल्यू रिलेटेड कंडीशंस हो सकती हैं कि आप, हम EPCG का आपको हम बेनिफिट देकर चलेंगे, लेकिन आपको जितनी हमने ड्यूटी सेव करवाई है उसका 6 गुना 6 साल में आपको एक्सपोर्ट करके दिखाना होगा। वैल्यू रिलेटेड या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, ठीक है हम आपको AAS का बेनिफिट तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने $100 गंवाए हैं तो $115 या उससे ज्यादा आपको लाने ही पड़ेंगे, या $120 आपको लाने पड़ेंगे, ऐसी कंडीशंस डाल सकती हैं, उसे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बोलते हैं कि हम आपको बेनिफिट दे तो रहे हैं लेकिन दिस इज योर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, आपको इतना तो एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको इतना वैल्यू, एक्चुअल यूजर कंडीशन हो सकती है कि आपको ये प्रोडक्ट इतने समय तक अपने पास रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक्चुअल यूजर कंडीशन बताऊं, कुछ देर पहले मैं आपको ट्रैक्टर का एग्जांपल दे रहा था कि भारत सरकार की तरफ से 1 ग्राम पंचायत के लिए 1 लाख रुपए देकर 10 लाख रुपए का सामान मिल जाता है साहब, 10 लाख रुपए का सामान मिल जाता है। तो 10 लाख रुपए का सामान सरकार की तरफ से मिल गया तो क्या वो किसान उसको तुरंत बेच सकता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बेचना चाहिए मुझे बताओ तुम, नहीं बेचना चाहिए। तो सरकार ने वहां लॉक इन पीरियड 5 साल डाल रखा है कि यू मस्ट बी द एक्चुअल यूजर फॉर 5 ईयर, आप इसे सेल नहीं कर सकते, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इसे। तो दिस इज वाज द कंडीशन के एक्चुअल यूजर कंडीशन फॉर 5 ईयर। ऐसे यहां पे डाल सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट में हम आपको बेनिफिट करवा रहे हैं वो आप इतने समय तक इस्तेमाल करके चलोगे। बैंक गारंटी की बात कर सकते हैं, वैलिडिटी पीरियड बता सकते हैं, और एक छोटी सी बात रखिए कि ऑथराइजेशन जो होती है, जो आपके यहाँ ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं, ये आपका अधिकार नहीं होता, बस सरकार की मेहरबानी यहाँ पर रखी जाती है। माय डियर, तो मैं बता रहा था आपको कि जो ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ये मैनेज करते हैं, उसके लिए बता रखा है कि फ्री कैटेगरी में कौन से गुड्स आएंगे, प्रोहिबिटेड में कौन से गुड्स आते हैं, रिस्ट्रिक्टेड में कैसे गुड्स आते हैं, किस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, वो जानकारी यहां पर दी जा रही है। आप बातों को ऐसे पढ़ना माय डियर जैसे लिखना नहीं है आपको, बस समझनी है बातें, लिख तो अपने आप जाएगा। सेकेंड हैंड आपके गुड्स होते हैं जिसमें नॉर्मली अलाउड फ्रीली, दैट इज नो नीड ऑफ ऑथराइजेशन, नॉर्मली इनमें कोई ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं लाइक लैपटॉप, जीरोक्स मशीन, जेंस, अच्छा पुराने में थोड़ा रिस्क भी होता है, अब पता नहीं टाइम बॉम्ब फिट करके ले आए, कुछ और उल्टा पुल्टा ना कर दे, है ना, गैस की जगह कुछ और ना भर दे उसके अंदर। नए में फिर भी ये है कि ठीक है यार, ब्रांड है सामने से तो ऐसा धोखा नहीं करेगा, लेकिन पुराने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो लैपटॉप, जीरोक्स मशीन, जेंस एट्सेट्रा के विषय में थोड़ा सा स्पेशल उन्होंने प्रोविजन बना रखे हैं, ऑथराइजेशन वगैरह लेनी पड़ती है। पैसेंजर बैगेज के रूप में क्वांटिटी फिक्स कर रखी है, जैसे कि मान लीजिए 2 लीटर से ऊपर शराब नहीं ला सकते हो, टोबैको इतना ला सकते हो,
है ना, सिगार ये ला सकते हो, सिगरेट इतनी ला सकते हो, टाइम लिमिट फ्रेम कर रखी है, एग्जम्पशंस बता रखी हैं, वो सारे के सारे काम कहाँ से उठ रहे हैं, जड़ क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं जो एक्ट, उनमें फिर परिवर्तन किया जाता है। लीज पर फ्रीली अलाउड है जनरली। इम्पोर्ट ऑफ सैंपल्स के बारे में बता रहे हैं, ज़्यादा कोई समस्या वाली बात आती नहीं है, लेकिन फिर भी 3 लाख तक के सैंपल इम्पोर्ट किए जा सकते हैं, इसमें कोई ड्यूटी वगैरह की बात नहीं करी जाती है। बाउंडेड वेयरहाउस कॉन्सेप्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर लॉन्च किया गया था माय डियर, जो आप पढ़ते हो अपने वेयरहाउसिंग के चैप्टर कस्टम के अंदर, वो आपका यहाँ से लॉन्च किया गया था। इनकी दिमाग की सोच थी, जिसमें पब्लिक वेयरहाउस आपने सुना है, प्राइवेट वेयरहाउस सुना है, एक और नाम सुना है स्पेशल वेयरहाउस। पब्लिक वेयरहाउस, प्राइवेट वेयरहाउस, स्पेशल वेयरहाउस, ये सब के सब माय डियर यहीं से निकल के गए हैं, जिसमें सिर्फ हम ड्यूटीएबल गुड्स ही रख सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं रख सकते, प्रोहिबिटेड नहीं रख सकते, आर्म्स एमिनेशंस हजार्डस वगैरह इसमें नहीं रखा जाता है। रिमूवल कर सकते हैं फ्रॉम बॉन्डेड वेयरहाउस से, कहाँ के लिए, ये बातें आपने कस्टम के सेक्शंस में पढ़ी थी, लेकिन उन सेक्शंस के अंदर ये बातें आई कहां से थी माय डियर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से इन्होंने जन्म लिया था। 4 ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं, इंपोर्ट को कैसे गिराएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट कैसे करें, और 100% ईओयू वगैरह वगैरह की अदरवाइज प्रोविजन। इस समय आप 3rd ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट कैसे करें, उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट रखा है कि इसके लिए स्पेशल प्रोविजन, इसके लिए हम ये रख के चलेंगे। उसके बाद में मेरे लाल आपके लिए आ रहा है यहां पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नॉर्मल एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक कैटेगरी बना रखी है फ्री एक्सपोर्ट की। फ्री एक्सपोर्ट का मतलब इसमें उन आर्टिकल्स की लिस्ट दे रखी है जिन पर ना कोई किसी प्रकार की बंदिश है और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई बैन है। एक प्रोहिबिटेड गुड्स की लिस्ट बना रखी, आप नहीं ले जा सकते। रट्टा नहीं मानना, सिर्फ समझना है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आखिर करती क्या है। आखिरकार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी करती क्या है माय डियर, कंप्लीटली बैंड कर रखा है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, मिलिट्री स्टोर, AK-47, एनी अदर गुड्स बैंड कर रखे हैं बाय पब्लिक नोटिस। इराक को ये आर्म्स सप्लाई करना, रफ डायमंड वेनेजुएला को सप्लाई करना, एग्जॉटिक बर्ड्स, ये सब बैंड चीजें हैं। ये काम किसका, आपको ये नहीं देखना क्या बैन है, आपको देखना कि बैन करने का काम किसका है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। अलग अलग कैटेगरी बना रखी हैं। रिस्ट्रिक्टेड आइटम हो गए, जैसे गधे, घोड़े, कैमल, गोट, ये सब आपके फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह वगैरह, ये सब आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है, करोगे तो फिर आपको कुछ एक कंडीशंस वहां पर दी जाएंगी, तो उसके तहत ही आप इसे कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट भी है, 3rd पार्टी एक्सपोर्ट के नाम से माय डियर आता है, ध्यान से देखना। यहाँ समझाई गई ये बात, और उसके बाद यहाँ पर एक ये रखा गया है, एक क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिया है ताकि आपको बात प्रॉपरली समझ में आ जाए। साहब इसमें क्या होता है देखिए, जब यहाँ पर मान लीजिए आपका ये है एक AB कॉरपोरेशन है, एक मैं इस एग्जांपल की मदद से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये एक CD लिमिटेड कह लो या CD कॉरपोरेशन कह लो, एक CD कॉरपोरेशन, एक AB है, एक CD, ABCD CD है, और यहाँ USA के अंदर बैठा हुआ है बायर। ये जो व्यक्ति है आपका CD कॉरपोरेशन, ये एक मर्चेंट है, और ये जो है व्यक्ति, ये यहां पर एक मैन्युफैक्चरर है। ये मर्चेंट है और ये यहां पर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, यस। और उसके बाद में मालिक, हाँ, तो USA वाले को आया था यहां से ऐसे करके ऑर्डर आया, इसने ऑर्डर इसको प्लेस कर दिया, इसने ऑर्डर इसको प्लेस कर दिया, और यहां इसने इसको यहां पे सप्लाई कर दी माय डियर, सप्लाई कर दी। दिस इज कॉल्ड 3rd पार्टी एक्सपोर्ट। इसमें जब इसने इसको सप्लाई कर दी तो 3rd पार्टी इसको बोल रही है, दिस इज 3rd पार्टी।
जिसने ये ट्रांजैक्शन अरेंज कराई प्रॉपरली, ऑर्डर लिया, ऑर्डर दिया, आगे सप्लाई हो जाती है। तो क्या यहाँ एबी को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसी के बारे में ये चर्चा है। देखिए, पढ़कर देखते हैं क्या बोलता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीडी कॉरपोरेशन अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, सीडी कॉरपोरेशन एक मर्चेंट है, प्रोक्योर करता है ऑर्डर ऑफ गुड्स फ्रॉम ए कस्टमर, यहाँ से इसे ऑर्डर मिल गया है, अच्छा ठीक है, कस्टमर इन यूएसए। इट अप्रोच्ड एबी लिमिटेड, एबी कॉरपोरेशन को अप्रोच किया है, जो कि एक मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेड ऑर्डर, कि भाई आप माल आगे सप्लाई कर दो। द शिपिंग बिल रिलेटेड टू द कंसाइनमेंट बेयर द नेम ऑफ सीडी कॉरपोरेशन, जो शिपिंग बिल था यहाँ पर जो तैयार किया गया था, उसमें नाम किसका रहा है, शिपिंग बिल के अंदर नाम आ रहा है वो सीडी, वो सीडी के नाम पर है, बिल जो शिपिंग बिल है वो सीडी के नाम पर है, ठीक है जी। और उसके बाद में बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो बीआरसी होता है बैंक, वो भी सीडी के नाम में है। एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड इनवॉइस आर आल्सो इन सीडी नेम, सारे डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गया एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गया आपका, इनवॉइस हो गया, सारे के सारे इसी के नाम में हैं, सारे पेपर्स इसी के नाम में हैं, एबी का कहीं भी नामो निशान नहीं है, इसको तो इन्होंने बैक एंड पर बस माय डियर रख लिया है। कमेंट वेदर एबी कॉरपोरेशन वुड बी डीम्ड एज एक्सपोर्टर अंडर एफटीपी, क्या इसको एक्सपोर्टर मानते हुए क्या इसको एक्सपोर्ट बेनिफिट दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, तो आइए इसका जवाब यहां से ढूंढने का प्रयास करना। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट मेड बाई एन एक्सपोर्टर और ए मैन्युफैक्चरर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एक्सपोर्टर, किसी और के बिहाफ पर आप सप्लाई कर रहे हो। इन सच केसेस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सच एज शिपिंग बिल शेल इंडिकेट नेम ऑफ बोथ, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, जो आपका सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट है, बाकी मैं नहीं जानता, सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट है, उसमें आपका दोनों का नाम आना चाहिए था, आपका भी, एबी का भी और सीडी का भी। एंड थर्ड पार्टी बीआरसी जीआर डिक्लेरेशन एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर, यहाँ हमारे केस के अंदर एबी को बेनिफिट मिल जाता, ये थर्ड पार्टी के हिस्से में होने चाहिए, ठीक है ये थर्ड पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ पर कमी आ रही है, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ साथ जो मुख्य डॉक्यूमेंट था शिपिंग बिल, उसमें एबी का नाम आना जरूरी था माय डियर, जो कि नहीं आ रहा है। जब तक मुख्य डॉक्यूमेंट के अंदर इसका नाम नहीं आएगा तो डिपार्टमेंट इसको एज एन एक्सपोर्टर कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएगा, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पर इसे कोई किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट की बात हम इससे नहीं करके चलेंगे। काश इसका नाम शिपिंग बिल में आ जाता तो सरकार से मिलने वाले एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में इसको भी हाथ मिल जाता, सिर्फ एक ही काम करना था, बाकी सब कुछ ठीक था कि शिपिंग बिल के अंदर सीडी के साथ साथ एबी का नाम भी आ जाता तो बात बन जाती माय डियर। लिखता है पहले वही बात दोहराइए कि थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट किसे कहते हैं, नीचे कहता है इन द अबव केस हालांकि बीआरसी एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड इनवॉइस आर इन द नेम ऑफ सीडी कॉरपोरेशन, जो थर्ड पार्टी है, द शिपिंग बिल डज नॉट हैव द नेम ऑफ एबी कॉरपोरेशन, जो मैन्युफैक्चरर था, देयरफॉर एबी कॉरपोरेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्टर इन दिस केस माय डियर। और उसके बाद कुछ मिसलिनियस बातें आपकी यहाँ पर दे रखी हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव नंबर 3 आप देख रहे थे बाबूजी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। आज की इस लेक्चर के अंदर आपको 4 चीज़ें बताई गई हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट घटाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना है, रेगुलेट करने के लिए अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, कौन सा फ्रीली, कौन सा प्रोहिबिट, कौन सा नया, कौन सा पुराना, ऐसे करके माय डियर उन्होंने बोल रखा है, ठीक। उसके बाद एक एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं लालच देना जरूरी होता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपसे बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्टर्स, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा इन्वॉल्व होता है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 आता है, जिसमें हम बात करते थे कि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ये लालच देने जरूरी है। लालच में क्या क्या है, एक आती है ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम आती है माय डियर, जिसमें एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, इसमें आपका रॉ मटेरियल दिलवा दिया जाता है बिना ड्यूटी के, बशर्ते कि आप आगे चल के एक्सपोर्ट करो। उसके बाद एक डीएफ
आई होती है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, इसमें आपके इंपोर्ट करवा देंगे या कुछ डोमेस्टिकली भी परचेज करवा सकते हैं, आपको ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन ये आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये जो स्कीम दे रखी, पॉइंट टू बी नोटेड, आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इवन बिफोर जीएसटी वी हैव मल्टीपल स्कीम्स, एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए, ईपीसीजी, ये सब थी। तो हम बोलते थे कि जब इनका स्कीम के तहत इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। आज क्या हो रहा है माय डियर, आज मालिक इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ इंपोर्ट करने पर आईजीएसटी भी लगाया जाता है। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं इनमें से किसी भी स्कीम के तहत जिसमें शब्द आता है कि इंपोर्ट ड्यूटी को माफ कर दिया जाएगा, ना व्हाट अबाउट आईजीएसटी, क्या इसको भी माफ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर क्लैरिटी दी गई है बाय अ गाइडेंस नोट। उन्होंने कहा है कि साहब इंपोर्ट ड्यूटी को हम छोड़ रहे हैं, आईजीएसटी निश्चित तौर पर लगाया जाएगा, भले ही आप किसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ही क्यों ना इंपोर्ट कर रहे हो, आपको आईजीएसटी भरना ही पड़ेगा। जीएसटी अपने तरीके से काम करता रहेगा, इन स्कीम का उस पर कोई किसी प्रकार का इंप्रेशन नहीं जाएगा। ड्यूटी रेमिशन स्कीम माय डियर, ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर आता है उसके अंदर देखी जाती हैं। ऐसे ही सेंट्रल एक्साइज के अंदर रूल्स बने हुए हैं, जिसमें दो रूल्स हैं, दरअसल रूल 18 और 19 होते थे, हैं भी आज भी माय डियर, लेकिन लिमिटेड गुड्स के लिए, जैसे अपना टोबैको हो गया उस पर एक्साइज लॉ लगता है, पेट्रोलियम हो गया उस पर लगता है, तो इनके संबंध में जो एक्साइज ड्यूटी लगी है, अगर ये चीज़ें एक्सपोर्ट करी जाएंगी तो उसका बेनिफिट आपको इस तरीके से यहाँ पर लेना पड़ेगा। ईपीसीजी कैपिटल गुड्स लेके आना है, रॉ मेटेरियल की तो ये आ गई, और माय डियर आपको ईपीसीजी कैपिटल गुड्स के लिए काम करके चलती है। उसके बाद एक्सपोर्ट कर दिया, अच्छी बात है, एक्सपोर्ट करने के बाद भी आपको और बेनिफिट दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती हैं जो कि एक प्रकार से फूड कूपन की तरह माय डियर काम करके चलती हैं। स्क्रिप्ट आपको अलॉट कर दी जाती है कि ठीक है यार आप आ गए, ले जाइए 3% का, 5% का, जिससे आप भविष्य में अपने टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको स्टार रेटिंग दी जाती है, 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक माय डियर आपको दिए जाते हैं, जिससे कि आपको अन्य अन्य लाभ दिए जाते हैं और एक पहचान दी जाती है, रैंक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपको यहां दिया जाता है। ठीक, इन सभी की मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है, एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ऐसे करके ये डिस्कशन यहां पर दिया जाता है। अब आगे पेज पर क्या है, ऑब्जेक्टिव वन के अंदर ये बात बता दी थी, अब 4-5 पेजेस पर माय डियर, 6-7 पेजेस मान के चलो, 6-7 पेजेस पर इन्हीं स्कीम को अब आगे बताया गया है। जैसे कि आपकी ये आ जाती है यहां पर आकर एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम, आपकी पहली स्कीम यहां पर आ जाती है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे माय डियर। ठीक है, तो चलो आज के लिए मैं इतना ही रख के चलता हूं, ये मेरा पार्ट वन है। अगले पार्ट के 9 पेज हमने कवर कर लिए हैं, करीब 18 पेजेस के अंदर आते हैं आपके, और अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर, क्योंकि LMS की भी एक कैपेसिटी होती है, मैं चाहूं तो एक ही वन गो में इसको पूरा करा सकता हूं, लेकिन LMS पर पूरी इतनी हैवी फाइल नहीं आ पाएगी, वो टुकड़ों में ही आ सकती है, तो मैं इसको यहीं आज वाइंड अप करूंगा और अब आपके LMS पर डलवाता हूं। आज मैं, आज तारीख कितनी है, 11 मार्च, पक्का 11 मार्च 2000, छोड़ो ना क्यों बताएं हम ठीक है साहब, और ठीक है, बाकी हम बातें अगले क्लास में करके चलेंगे। अगले पार्ट के अंदर, अगले वीडियो के अंदर आपका FTP कंप्लीट हो जाएगा, मुझे बताना जरूर FTP कठिन है या आसान है, हालांकि मैंने प्रैक्टिस के लिए भी इसमें क्वेश्चंस दिए हैं आपके, और अगली क्लास में हम उसकी प्रैक्टिस भी करके चलेंगे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आज हमने क्या किया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक बार हल्का सा रिकैप देख लो, निर्माता निर्देशक डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड हैं, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अलग अलग जगहों पर 36 रीजनल ऑफिसेस बने हुए हैं, सब कुछ करता धरता सब अपना वही डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन अपने अपनी चेंज चल रही हैं, फॉरेन ट्रेड एक्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मंत्र फूकेगा, यहाँ पर काम किया जाएगा, सब आपस में मिले हुए हैं, मिलजुल कर ही काम किया जाता है, करक्स कुछ नहीं है, हटा देना। ऑब्जेक्टिव
एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, कैसे दें, रास्ता साफ कीजिए, कैसे करें, ऐसे करो, एनकरेजमेंट करना, अलग अलग स्कीम देना जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो, इंपोर्ट को डिस्करेज करना, कैसे करें, मेक इन इंडिया करो, कॉस्ट कटिंग करो, क्वालिटी इंप्रूव करो। और ये क्या था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेगुलेशन, एंड ये डिस्कशन 100% ईओयू ईएचटीपी वगैरह ये डिस्कशन आपका रह जाता है। एसईजेड एफटीपी का पार्ट नहीं है लेकिन उसका भी डिस्कशन सीएसटूट ने कर रखा है 2015-2020 के अंदर। ये वो एरियाज थे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आप सब जानते हैं, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दिखाई दिए, और बाकी सब इन्हीं का मैंने यहाँ पर डिस्कशन आपसे किया है माय डियर। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। बता जरूर देना मोबाइल के ऊपर समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बाय बाय माय डियर, बाय।